हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पे बैठे बैठे कैसे HDFC बैंक की साइट से आप IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके HDFC नेट बैंकिंग सर्च मारना है और यहाँ नेट बैंकिंग का पहला जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग करना है और यहाँ पे आपको अपनी कस्टमर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका ये अकाउंट का डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड पे आपका वेलकम करके नाम आएगा। इसमें आपको जब IPO के लिए अप्लाई करना है, देखिए ये सारे ऑप्शंस आएंगे, अकाउंट्स, फंड ट्रांसफर, डीमैट, म्यूचुअल फंड। अब आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ रिक्वेस्ट पे जाना है जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। वहाँ जाके थोड़ा सा नीचे करने के बाद IPO एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। ये आपको IPO सिस्टम के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है और यहाँ पे ये आप IPO सेक्शन पे पहुँच गया है। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे आपको यहाँ तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड जनरल, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड शेयर होल्डर और SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज एम्प्लॉई। ये तीन कैटेगरीज में आप IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉई यानी कि अगर आप SBI के एम्प्लॉई हैं तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अगर आप शेयर होल्डर की कैटेगरी में यानी कि आपके पास SBI का कोई भी एक शेयर भी पड़ा है तो आप SBI शेयर होल्डर की कैटेगरी में अप्लाई करेंगे और अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप एम्प्लॉई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, अगर आप एम्प्लॉई हैं और इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा अराउंड 75 रुपीज़ का। अब हम अप्लाई करके देखते हैं। मैं SBI का शेयर होल्डर हूँ तो मैं SBI शेयर होल्डर वाली कैटेगरी में अप्लाई करूँगा। यहाँ पे आप इसका फॉर्म डाउनलोड करके भी आप सबमिट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखाऊँगा। देखिए यहाँ पे आपको इशू का प्राइस बैंड लिखा हुआ है 750 से 755, लॉट साइज़ है 19 और स्टार्ट डेट है 2 मार्च यानी कि आज ही ओपन हुआ है और एंड डेट 5 तारीख की है। प्राइस बैंड का मतलब होता है कि ये 750 से 755 के बीच में इशू हो सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में ये जो इसका मैक्सिमम प्राइस होता है ये उसी पे इशू होता है। हमें इसके बारे में भी बताऊंगा कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई करें ताकि आप इशू वाले प्राइस पे ही आपको अलॉट हो। चलिए अब हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ अप्लाई पे क्लिक किया, यहाँ उसने सिलेक्ट इन्वेस्टर स्टेटस पूछा, रिटेल इन्वेस्टर या HNI। मैं एक इंडिविजुअल रिटेलर हूँ तो मैं रिटेल इन्वेस्टर में अप्लाई करूँगा। शेयर बिड्स 19 का लॉट है तो मैं 19 के लिए अप्लाई करूँगा। प्राइस पर शेयर जो है, अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको कुछ भी ना डालते हुए आपको बगल में देखिए कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन आएगा, आपको सिर्फ ये बॉक्स पे टिक कर देना है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली प्राइस सिलेक्ट कर लेगा। 755 का प्राइस आ गया। यहाँ देखिए आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 14345 का अमाउंट आ गया आपका, यानी कि इतना अमाउंट आपका इस टाइम बैंक में से लॉक हो जाएगा। आप इस पैसे को छोड़ के बाकी सारा अमाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट नेम आप अपने यहाँ डिटेल्स चेक कर लें, डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जैसे मेरी, मैं अपनी फिल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड शेयर होल्डर कैटेगरी में जा रहा हूँ। बुक बिल्डिंग है, प्राइस बैंड 750 से 755, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,250 की अगर आप 750 के प्राइस पे डालते हैं। मैक्सिमम अमाउंट आप जो है एक रिटेलर 2 लाख तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है। लॉट साइज 19 है। लॉट साइज का मतलब ये होता है कि आप 19 या उसके मल्टीपल में कितने भी शेयर अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ शेयर्स हैं 247, यानी कि एक रिटेलर 247 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है मैक्सिमम।
चलिए हम आगे का अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आपको डिपॉजिटरी देखनी है, आपका NSDL में अकाउंट है या CDSL में। जैसे मेरा CDSL में है तो मैं CDSL के लिए अप्लाई करूँगा। यहाँ DP नेम में आपको CDSL डालना है। DP ID वाला आपका ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि CDSL में जो भी अकाउंट्स होते हैं उनके 16 डिजिट के न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, जबकि NSDL वाले पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये वाला आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे NSDL में जो अकाउंट होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। चलिए तो मैं आपको करके दिखा रहा था, अब मैं CDSL में दोबारा अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर डाल दिया है। इसके बाद मैं यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आएगा कि यार यू आर अबाउट टू प्लेस एन IPO ऑर्डर फॉर SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड शेयर होल्डर। तो हमें यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्क्लेमर आएगा, उस डिस्क्लेमर को आपको आई एग्री करना है। अगर डिसएग्री कर देंगे तो वो आगे प्रोसेस ही नहीं होगा। देखिए एग्री करते ही योर बिड हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, योर IPO एप्लीकेशन इज, ऐसे करके एप्लीकेशन नंबर आ गया और मेरा यहाँ IPO अप्लाई हो चुका है। अब अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ IPO ऑर्डर बुक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ सिलेक्ट करके आप कौन से IPO के लिए अप्लाई कर रखा है। यहाँ पे देखिए मैंने SBI कार्ड्स के लिए अप्लाई किया है, तो मैं इस वाले को सिलेक्ट करूँगा। डेट आप डाल सकते हैं कब से लेके कब तक, आप चाहें तो सारे जितने भी आपने अप्लाई करे हैं वो उसके लिए भी चेक कर सकते हैं ऑल IPO पे जाके, बट मैंने सिर्फ SBI का देखना है। तो यहाँ पे सबमिट करूँगा डेट का। देखिए यहाँ पे अप्लाई कर चुका हूँ मैं, ये टाइम आ गया 11:55। देखिए पेड अमाउंट, एप्लीकेशन अमाउंट सारा कुछ आ गया, तो यानी कि यहाँ पे मेरा IPO के लिए मैं अप्लाई कर चुका हूँ। यहाँ मेरा IPO सक्सेसफुली अप्लाइड हो गया है। सो गाइज कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।